This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। IPL 2018 पहला मैच हार गई RCB, कोलकाता ने 4 विकेट से दी मात। विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2018 में अपने अभियान का आगाज हार के साथ किया। ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में कोलकाता ने बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने में मेजबान KKR को जरा भी मुश्किल नहीं हुई। KKR के लिए सुनील नरेन ने 51, नीतीश राणा ने 34 और कप्तान दिनेश कार्तिक ने 35 रनों की पारी खेली। सुनील नरेन का धमाका। कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही। विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस लिन सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सुनील नरेन ने RCB के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। सुनील नरेन ने RCB गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई करते हुए महज 17 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। सुनील नरेन IPL के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिसने 2 बार 17 से या उससे कम गेंदों में 2 अर्धशतक जड़ दिए हैं। सुनील नरेन ने इससे पहले पिछले सीजन में RCB के खिलाफ ही 15 गेंदों में अर्धशतक ठोका था। बेंगलुरु को मुश्किल से उबारा तेज गेंदबाज उमेश यादव ने, जिन्होंने नरेन को 6 ओवर की पहली गेंद पर ही बोल्ड कर दिया। इसके बाद रॉबिन उथप्पा को भी उमेश यादव ने 13 रनों पर चलता कर दिया। KKR को मुश्किल से उबारा नीतीश राणा और कप्तान दिनेश कार्तिक ने, दोनों ने मिलकर 4th विकेट के लिए 55 रन जोड़े। इस साझेदारी को वॉशिंगटन सुंदर ने नीतीश राणा को आउट कर तोड़ा, जो 34 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद क्रीज पर आए रिंकू सिंह भी 6 रन बनाकर क्रिस वोक्स का शिकार हो गए। क्रीज पर डटे रहे कार्तिक। आखिरी 4 ओवरों में KKR को 30 रनों की दरकार थी और दिनेश कार्तिक आंद्रे रसेल की जोड़ी क्रीज पर थी। आंद्रे रसेल ने उमेश यादव को ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर KKR को जीत के पास पहुंचा दिया। हालांकि अगले ओवर में वोक्स ने उन्हें आउट कर दिया। कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक क्रीज पर डटे रहे। उन्हें नाबाद 35 रन बनाकर कोलकाता को 7 गेंद पहले 4 विकेट से जीत दिला दी। बेंगलुरु की बल्लेबाजी। इससे पहले एबीडी विलियर्स और ब्रैंडन मैकलम की तूफानी बारियों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 7 विकेट पर 176 रन बनाए। डिविलियर्स ने 23 गेंदों में 1 चौके और 5 छक्कों की मदद से 44 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज मैकलम ने 27 गेंद का सामना करते हुए 43 रन बनाए। मनदीप सिंह ने आखिर में 18 गेंदों में 37 रन बनाकर टीम को स्कोर 176 तक पहुँचाया। कप्तान विराट कोहली ने 33 गेंद में 1 चौके और 1 छक्के से 31 रन की धीमी पारी खेली। KKR की ओर से नीतीश राणा ने 11 जबकि विनय